वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की दूसरी किस्त के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्य सरकारों को इजाजत दी है कि वह आपदा के लिए रकम का इस्तेमाल कर प्रवासी मजदूरों के लिए खाने और रहने का इंतजाम कर सके। ये राज्यों का अधिकार है कि वह इसे कैसे इस्तेमाल करे। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना पर काम होगा, हर राज्य में यह लागू होगा। प्रवासी किसी भी राज्य के राशन डिपो से इस कार्ड की मदद से राशन ले सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए पीएम आवास के तहत जल्द ही रेंटल हाउसिंग योजना लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को कम किराए में रहने के लिए घर भी मिलेगा। इधर महिलाओं की सेफ्टी को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अगर महिलाओं को रात में काम करना पड़ता है तो उनके लिए सेफ्टी गार्ड अलग से तैनात किए जाएंगे। तो किसानों ने 4 लाख करोड़ रुपए का लोन लिया है। एक देश एक राशन कार्ड होगा लागू। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को बढ़ाकर 31 मई तक किया गया है। नाबार्ड ने ग्रामीण बैंकों को दी 29,500 करोड़ की मदद। 30 अप्रैल तक 63 लाख लोग लोन किए हैं मंजूर। राज्यों को आपदा फंड के इस्तेमाल की भी मंजूरी दी गई है। एसडीआरएफ के जरिए 11,000 करोड़ की मदद भी दी है। शहरी गरीबों को 11,000 करोड़ की मदद दी गई है। 12,000 स्वयं सहायता समूह ने 3 करोड़ मास्क और सैनिटाइजर बनाए हैं। प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के जरिए दिया जा रहा है काम। आरआईडीएफ के जरिए राज्यों को 4,200 करोड़ की मदद भी दी गई है। 2 करोड़ से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को भी काम मिला है। न्यूनतम मजदूरी के भेदभाव को खत्म करेंगे। मजदूरों की सालाना मेडिकल जांच अनिवार्य होगी। 2.33 करोड़ प्रवासी मजदूरों को मनरेगा में काम मिला है। 10 से कम कर्मचारी वाली कंपनियों में ईएसआई की सुविधा होगी। अब तक मनरेगा पर 10,000 करोड़ का खर्चा किया गया है। वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना पर भी काम होगा।